हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करूंगा महाराष्ट्र के मंडियों में सोयाबीन का भाव 26 जनवरी 2020। मतलब दोस्तों आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज 26 जनवरी और आप मेरे तरफ से दोस्तों गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों आज है संडे और संडे को कोई मंडी उतना खुला नहीं रहता है, लेकिन जो भी जानकारी आप दूंगा वो सटीक जानकारी दूंगा। दोस्तों कल शनिवार था, शनिवार के शाम के जितने भी डिटेल हमारे पास आए हुए हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचे और इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा अर्निंग मंडी की, तो अर्निंग मंडी में 3500 से लेकर 4250 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 34 टन की रही है। वहीं पर मैं बात करूंगा अलोट मंडी में, तो अलोट मंडी में दोस्तों 3200 रुपये से लेकर 4390 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 100 टन की रही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूंगा अरवी मंडी में, तो अरवी मंडी में दोस्तों 3100 से लेकर 4200 का भाव देखने को मिला है। आवक की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे 70 टन की रही है। वहीं पर मैं बात करूंगा दोस्तों अकोला मंडी की, तो अकोला मंडी में दोस्तों 3135 रुपये से लेकर 4375 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 55 टन की रही है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अमलनेर मंडी में दोस्तों, तो अमलनेर मंडी में दोस्तों 3500 से लेकर 4290 का भाव देखने को मिली है। अगर आवक की यहाँ पर बात कर लिया जाए दोस्तों तो आवक 270 टन की रही है। वहीं पर नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों अंबे जोगाई मंडी की, तो अंबे जोगाई मंडी में दोस्तों 3100 से लेकर 4360 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 70 टन की रही है। वहीं पर मैं बात करूंगा दोस्तों औसा मंडी की, तो औसा मंडी में दोस्तों 3200 रुपये से लेकर 4320 रुपये का भाव देखने को मिला है। दोस्तों अगर आवक की यहाँ पर बात किया जाए तो आवक दोस्तों 88 टन की रही है। वहीं पर मैं नेक्स्ट में बात करूँगा भोकर मंडी में, तो भोकर मंडी में 2970 रुपये से लेकर दोस्तों 4295 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक की अगर बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे भी 70 टन की देखने को मिली है। हिंगण घाट मंडी की बात करूँ दोस्तों तो हिंगण घाट मंडी में दोस्तों 3490 रुपये से लेकर 4180 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 337 टन की रही है। चिकली मंडी की बात कर लें दोस्तों तो चिकली मंडी में 3600 रुपये से लेकर दोस्तों 4390 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 72 टन की रही है। वहाँ पर मैं बात करूँगा चोपड़ा मंडी की, तो चोपड़ा मंडी में 4025 रुपये से लेकर दोस्तों 4225 का भाव देखने को मिला है। आवक की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 2 टन की रही है। जालना मंडी की बात करूँ दोस्तों तो जालना मंडी 3210 रुपये से लेकर 4460 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 100 टन की रही है। वहीं पर मैं बात करूँगा करंजा मंडी की, तो करंजा मंडी में 3340 रुपये से लेकर 3900 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 250 टन की रही है। काटोल मंडी की बात करूँ दोस्तों तो काटोल मंडी में 3275 रुपये से लेकर 4060 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक की अगर बात करूँ दोस्तों तो 190 टन की रहेंगे। वहीं पर मैं बात करूंगा लासन गांव मंडी की, तो 2800 रुपये से लेकर 4200 का भाव देखने को मिली है। आवक की अगर बात करूँ दोस्तों तो 90 टन की रही है। लासन गांव मंडी में बात करूँगा लासन गांव निफाड़ मंडी में दोस्तों 3000 से लेकर 4390 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक की अगर बात कर ले दोस्तों तो 115 टन की रही। वहीं पर मैं बात करूंगा लातूर मंडी में, तो लातूर मंडी में दोस्तों 3100 से लेकर 4390 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात कर ले दोस्तों तो 116 टन की रही है। माजलगांव मंडी की बात करूँ दोस्तों तो माजलगांव मंडी में दोस्तों 3200 से लेकर 4290 का भाव देखने को मिली है। आवक की अगर बात करूँ दोस्तों तो 95 टन की देखने को रही है। वहीं पर मैं बात करूँगा मलकापुर मंडी में, तो मलकापुर मंडी में दोस्तों 3100 से लेकर 4320 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 118 टन की रही है। मैकर मंडी में बात कर ले दोस्तों तो मैकर मंडी में 3100 से लेकर 4680 का भाव देखने को मिली है। कल से थोड़ी सी कम देखने को मिली है। आवक दोस्तों 90 टन की रही है। रजौरा मंडी की बात करो, रजौरा मंडी में 3710 रुपये से लेकर 4395 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक की अगर बात कर लो दोस्तों तो 37 टन की यहाँ पे देखने को रही है। वहीं पर पुलगांव मंडी की बात कर लो दोस्तों तो पुलगांव मंडी में 2920 रुपये से लेकर 4150 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 49 टन की रही है। दिग्रस मंडी की बात कर लो दोस्तों तो दिग्रस मंडी में 3715 रुपये से लेकर 4100 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 115 टन की रही है। गराई मंडी में बात कर लो दोस्तों तो गराई मंडी में 3200 से लेकर 4360 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 56 टन की रही है। वहीं पर मैं नेक्स्ट में यहाँ पे बात कर लेता हूँ हिंगोली मंडी में, तो हिंगोली मंडी में दोस्तों
3700 से लेकर 4180 का भाव देखने को मिला है। आवक की अगर बात कर लो दोस्तों तो 154 टन की आवक रही है। वसीम मंडी की बात कर ले दोस्तों तो वसीम मंडी में दोस्तों 3700 से लेकर 4371 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक की अगर बात कर लो दोस्तों तो 160 टन की रही है। कोपरगांव मंडी की बात कर लो दोस्तों तो कल के कोपरगांव में ज़्यादा रेट था, लेकिन आज दोस्तों 200-300 रुपया कम दिखाई दे रहा है, तो अधिकतम 4515 रुपये था और आवक दोस्तों 16 टन की रही है। सागली मंडी की बात कर लो दोस्तों, सागली मंडी में 3800 से लेकर 4200 का भाव देखने को मिल रहा है। आवक की अगर बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे 140 टन की रही है। पचोरा मंडी की बात करूँ दोस्तों तो 3977 रुपये से लेकर 4021 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक की बात कर लो दोस्तों यहाँ तो 250 टन की रही है। तुलजापुर मंडी की बात कर लो दोस्तों, तुलजापुर मंडी में 4000 से लेकर 4050 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक की अगर बात कर लो दोस्तों तो आवक 45 टन की रही है। वहीं पर मैं बात करूँगा लास्ट में सिंधी मंडी की, तो सिंधी मंडी में दोस्तों 3600 से लेकर 4200 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 60.66 टन की रही है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कोई भी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।